नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल जी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस के साथ हिमाचल जी के साथ हम हिमाचल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे। देखिए, वैसे तो क्वेश्चंस को हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं, परंतु काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आज आपके लिए एक लाई गई है आज, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी के साथ वीडियो को शेयर करें। आपके जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन पर भी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको कुछ वीडियोस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएगी और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हम आपके साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं। चलिए, आज का एक ब्यूटीफुल सेशन जो हम कंडक्ट कर रहे हैं उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, रिसेंटली रिलीज SDG इंडेक्स 2019 हिमाचल प्रदेश रैंक इज। हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 में हिमाचल का कौन सा स्थान रहा है? आपको चार ऑप्शन दी गई हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड। दूसरा स्थान जो है वो हिमाचल प्रदेश का रहा है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में। अच्छा, बात हुई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2019 की, तो इस इंडेक्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो देखिए, SDG इंडेक्स 2019 जो निकाला गया है, अगर उसमें आप टॉप में देखें तो सबसे टॉप में है केरला और दूसरे नंबर पर है हिमाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। तो देखिए, केरला ने जो है वो 70 मार्क्स इसमें गेन किए हैं और हिमाचल की बात करें तो हिमाचल को 69 स्कोर मिला है और आंध्र प्रदेश को 67। अगर बात की जाए बॉटम से तो देखिए, बॉटम में जो है वो सबसे नीचे है बिहार और बिहार से नीचे है झारखंड। और अगर यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए तो यूनियन टेरिटरीज में सबसे टॉप पर है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के बाद दूसरे नंबर पर है पुडुचेरी। देखिए, ये तो है 2019 के इंडेक्स के बारे में। पिछले साल जब 2018 में ये इंडेक्स निकाला गया था उस टाइम भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। अगर पिछले साल की आप देखें तो पिछले साल भी हिमाचल का रैंक जो था वो 69 ही था और केरला का भी 69 था, परंतु हिमाचल का जो है कांस्टेंट 69 ही रहा है। और अगर बात करें केरला की तो केरला ने जो है वो 70 मार्क्स वगैरह इसमें किए हैं। अच्छा, ओवरऑल अगर बात की जाए कि इंडिया को कितना स्कोर इसमें मिला है, देखिए ओवरऑल इंडिया की बात अगर करें तो इंडिया को जो है इसमें मिले हैं 60 पॉइंट जो हैं ओवरऑल इंडिया को मिले हैं। अगर स्टेट वाइज बात की जाए तो स्टेट वाइज आपके पास ये इंडेक्स दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये SDG इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा निकाला जाता है। तो ये SDG इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, नीति आयोग इसको जारी करता है। ये भी आप SDG इंडेक्स के बारे में याद रखें कि कौन इसको निकालता है और हिमाचल का इसमें कौन सा रैंक रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुकिला ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन। मुकिला ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? देखिए, आपके पास चार ऑप्शन दी गई हैं। देखिए, क्वेश्चन तो इजी है परंतु अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, अगर मुकिला ग्लेशियर की बात की जाए तो मुकिला ग्लेशियर जो है वो स्थित है भागा वैली में। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, भागा वैली में स्थित है मुकिला ग्लेशियर। अच्छा, भागा वैली में और कौन कौन से ग्लेशियर स्थित हैं? देखिए, लेडी ऑफ केलोंग एक ग्लेशियर है, ये भी भागा वैली में स्थित है। मिलांग ग्लेशियर भी भागा वैली में स्थित है। और भागा वैली कहाँ पर पड़ती है? तो भागा वैली लाहौल स्पीति में पड़ती है। चंद्रा और भागा वैली लाहौल स्पीति में पड़ती हैं। अच्छा, अब लाहौल स्पीति की बात हुई है तो एक बार ये मैप में देख लीजिए, ये है लाहौल स्पीति। देखिए, हिमाचल के मैप में ये लाहौल स्पीति है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हु फाउंडेड एरिया ऑफ पालमपुर सुटेबल फॉर टी कल्टिवेशन। ये किसके द्वारा पाया गया था कि कांगड़ा का जो पालमपुर है उसका एरिया चाय की खेती के लिए बेहतरीन है? देखिए, ये जो था ये डिस्कवर किया गया था सबसे पहली बार डॉक्टर जेम्सन के द्वारा, ये सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, डॉक्टर जेम्सन। अच्छा, डॉक्टर जेम्सन ने सबसे पहली बार ये डिस्कवर किया था कि कांगड़ा का जो एरिया है वो टी कल्टिवेशन के लिए सुटेबल है। और यहाँ पर चाय की खेती कब शुरू हुई थी? तो यहाँ पर चाय की खेती 1849 में जो था वो शुरू हो गई थी। 1849 में यहाँ पर चाय की खेती शुरू हो गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कांगड़ा की चाय जो है वो ग्रीन गोल्ड नाम से जो है वो मार्केट में बिकती है, इसका पता होना चाहिए आपको, ग्रीन गोल्ड नाम से ये मार्केट में बिकती है। अच्छा, कांगड़ा में एक यूनिवर्सिटी भी है जिस यूनिवर्सिटी का नाम है हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के पालमपुर में है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना जो थी वो कब हुई थी? इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 1978 में हुई थी। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, ये तो चाय की खेती के बारे में बेसिक सा हो गया,
कुट का उत्पाद भी हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। तो कुट का उत्पाद हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर किया जाता है? तो इसका उत्पाद लाहौल स्पीति में किया जाता है। लाहौल स्पीति में इसका उत्पाद कब शुरू हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1925 में कुट का उत्पाद जो था वो लाहौल स्पीति में शुरू हुआ था। 1925 याद रखें, 1925 में। एक बार आप मैप में देख लें, ये है कांगड़ा, और कांगड़ा के जो पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट हैं, पड़ोसी जिले हैं, वो हैं चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना, ये इसके पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट हैं। तो मैप में अगर आप देखेंगे तो मैप में आपको इजीली ये समझ आ जाएगा। तो ये कांगड़ा के बारे में और पालमपुर के बारे में आप बेसिक सा याद रखें। ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है पालमपुर के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं, और एक कुट का क्वेश्चन जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर टू है, हु वॉज दी राजा ऑफ चंबा ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर? द्वितीय विश्व युद्ध के समय चंबा के राजा कौन थे? तो देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो उस समय चंबा के राजा थे राजा लक्ष्मण दास। कई जगह इनका नाम आपको राजा लक्ष्मण सिंह पढ़ने को भी मिलेगा। राजा लक्ष्मण सिंह या राजा लक्ष्मण दास जो थे उस समय चंबा के राजा थे। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कब था? तो 1939 में ये शुरू हो गया था। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो शुरू हो गया था, और ये कब तक चला था? तो ये 1945 तक चला था। 1945 तक ये चला था। अच्छा, बात चंबा डिस्ट्रिक्ट की हुई तो चंबा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो आप मैप में देखिए, तो देखिए मैप में ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के साथ। चंबा के जो पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट हैं वो हैं कांगड़ा और लाहौल स्पीति। सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट ही चंबा के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट चंबा की बेसिक जानकारी, डिस्ट्रिक्ट चंबा का गठन जिले के रूप में होता 15 अप्रैल 1948 में। डिस्ट्रिक्ट चंबा का एरिया है 6,528 स्क्वायर किलोमीटर। नरसिंह टिब्बा, गौरदेवी का टिब्बा चंबा में है। भूरी सिंह म्यूजियम चंबा में है, जिसकी स्थापना 1908 में हुई थी। कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। पर्वतिया ग्रामीण बैंक डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। हाथीदार डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। दीपक एंड धांगी फेमस डांसेज हैं चंबा के। महाकाली लेक भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। सतदार वाटरफॉल डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। कुंजड़ी और कुंजवा फेमस सॉन्ग हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा के। बेराश्यूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। गैमग्यूल सिया बाही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। ये डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में आप बेसिक से क्वेश्चन याद रखें। क्वेश्चन नंबर एट है, 8.8 किलोमीटर लॉन्ग रोहतांग टनल विल कट थ्रू। देखिए, 8.8 किलोमीटर रोहतांग टनल जो है वो कौन सी रेंज को काट कर बनाई गई है? तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पीर पंजाल रेंज। देखिए, पीर पंजाल रेंज को काट कर जो है ये रोहतांग टनल बनाई गई है। इस टनल के बारे में मैं एक दो क्वेश्चन आपके साथ और भी डिस्कस कर चुका हूँ। अब एक बार जो बेसिक क्वेश्चन इस टनल से बनते हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, इस टनल की लंबाई कितनी है? इस टनल की लंबाई है 8.8 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है 10.5 मीटर। और देखिए, इस टनल का निर्माण की घोषणा जो थी वो 2002 में कर दी गई थी। 2002 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलोंग में इसकी घोषणा कर दी थी, और 2003 में इसका शिलान्यास कर दिया गया था, और उसके बाद 2009 में इसे केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृति दे दी गई थी, और 2010 में जो था इस टनल को, देखिए इस टनल की आधारशिला जो थी वो सोनिया गांधी ने रखी थी। उस समय सोनिया गांधी यूपीए की अध्यक्ष होती थी, और अब जो है लगभग ये टनल बनकर कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट ईयर इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, द फोर्ट ऑफ कोटकहलूर एंड फतेहपुर आर लोकेटेड ऑन द रेंज कॉल्ड। देखिए, कोटकहलूर किला और फतेहपुर किला जो है वो कौन सी रेंज में स्थित है, कौन सी चोटी पर ये स्थित है? देखिए, ये जो है ये नैना देवी हिल्स में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए कोटकहलूर और फतेहपुर फोर्ट डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। अभी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है, तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की नैना देवी हिल्स में जो है ये फोर्ट जो है वो स्थित है। बात जो है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की हुई है, तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक तो हो गया नैना देवी हिल्स, दूसरी होगी कोट हिल्स, झंझियार हिल्स, रतनपुर हिल्स, बहादुरपुर हिल्स और बंदला हिल्स। बंदला हिल्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हिल्स हैं। यहाँ पर जो है हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोला गया है बंदला हिल्स पर, याद रखेगा, बंदला हिल्स पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉलेज जो है वो खोला गया है। ये तो हो गया डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की हिल्स के बारे में। देखिए, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में एक और इम्पॉर्टेंट फोर्ट है, वो है छातीपुर फोर्ट। छातीपुर फोर्ट जो था वो किसके द्वारा बनवाया गया था? छातीपुर फोर्ट जो था वो कांगड़ा के राजा संसार चंद के द्वारा बनवाया गया था डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। याद रखें कि छातीपुर फोर्ट किसने बनवाया था, तो छातीपुर फोर्ट बिलासपुर में बनवाया गया था राजा संसार चंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन है,
क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द प्री वैदिक पीरियड शिवालिक हिल्स आर इनहेबिटेड ऑफ, इनहेबिटेड बाय, आर यहाँ पर होगा, देखिए प्री वैदिक पीरियड में जो था वो शिवालिक हिल्स किसका निवास स्थान थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी दशास। दशास का जो था वो निवास स्थान थी शिवालिक हिल्स। अच्छा, शिवालिक हिल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, शिवालिक हिल्स जो है आउटर मोस्ट रेंज है हिमाचल प्रदेश की, और देखिए मानक पर्वत के नाम से जो था वो शिवालिक हिल्स को पहले जाना जाता था। मानक पर्वत याद रखें, मानक पर्वत के नाम से इसे जाना जाता था। और सिरमौर में पौंटा वैली पड़ता है, नाहन पड़ता है, रेणुका सिरमौर शिवालिक वैली में पड़ता है, बलह वैली मंडी की जो है वो भी इसी में पड़ती है, जोगिंदर नगर इसमें पड़ता है। और देखिए डिस्ट्रिक्ट ऊना, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, डिस्ट्रिक्ट मंडी और डिस्ट्रिक्ट सोलन के कुछ पार्ट इसमें पड़ते हैं। ये बेसिक्स आप शिवालिक हिल्स के बारे में याद रखिए। और सबसे पहले यहाँ पर दशास जो थे वो प्री वैदिक पीरियड में बसे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, दी हाई कोर्ट ऑफ पंजाब बिफोर ट्रांसफर टू चंडीगढ़ एक्ट, चंडीगढ़ स्थानांतरित करने से पहले पंजाब का हाई कोर्ट कहाँ पर था। पंजाब का हाई कोर्ट जो था वो था पीटरहॉफ बिल्डिंग में। ऑप्शन सी सही आंसर है, पीटरहॉफ बिल्डिंग डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। डिस्ट्रिक्ट शिमला के जितनी भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है, काफ़ी टाइम से उन बिल्डिंग्स को हमने रिवाइज नहीं किया है, तो एक बार उन सभी को क्विकली रिवाइज करते हैं। रोहतनी कैस्टल बिल्डिंग 1838 में बनी थी। एओ ह्यूम के मन में यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का विचार आया था। गॉर्डन कैस्टल बिल्डिंग 1901 1904 में बनी थी। नियो गॉथिक आर्किटेक्चर में यह बनी है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर अकाउंटेंट जनरल ऑफिस जो है वो स्थित है। पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग जो है वो 1882 में बनी थी, और कॉनी कॉटेज इस बिल्डिंग का नाम है। राष्ट्रपति निवास जो रिट्रीट के नाम से जाना जाता है, और ये 1850 में बना था। प्रेजेंटली कमांडर हाउस आल्ट्रैक जो है वो दी रिट्रीट बिल्डिंग में स्थित है। वाइस रेगल लॉजे 1888 में ट्यूडर आर्किटेक्चर में बना था, और 1965 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसे हैंडओवर कर दिया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को। पंजाब हाई कोर्ट जो था वो चंडीगढ़ को ट्रांसफर किया गया था 1955 में। हिप्पा हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना 1 जनवरी 1974 को हुई थी, और इस बिल्डिंग का नाम है फेयरलॉन्स बिल्डिंग। इसकी कंस्ट्रक्शन जो थी वो आर डिक्शन के द्वारा की गई थी। ओकओवर जो है वो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का ऑफिशियल रेजिडेंस है। इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था वो डेलजल हाउस बिल्डिंग में होता था। रविंद्रनाथ टैगोर जो था वो जब शिमला आए थे तो उस समय वुडफील्ड बिल्डिंग में ठहरे थे। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बिल्डिंग का नाम है रेवेंसवुड बिल्डिंग। हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस का जो ऑफिशियल रेजिडेंस है उसका नाम है आर्म्सडेल, ये 1863 में बना था। लेबर ब्यूरो बिल्डिंग जो है क्लेरमोंट बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है। 1927-1928 में ये बनी थी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला की जो बिल्डिंग है वो टाउन हॉल बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है। बार्न्स कोर्ट 1832 में बना था नियो टोडर आर्किटेक्चर में, इसे राजभवन के नाम से भी जाना जाता है। रेलवे बोर्ड बिल्डिंग जो है और हेरिटेज हाउस जो है, रेलवे बोर्ड बिल्डिंग जो है वो हेरिटेज हाउस और लो विले बिल्डिंग में स्थित है। प्रेजेंटली अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो सेक्ट्रेट है वो एलर्जाइल बिल्डिंग में स्थित है। वाइल्ड फ्लावर हॉल जो है वो लॉर्ड किचनर का रेजिडेंस रह चुका है। यूएस क्लब शिमला जो है वो रेजिडेंस रह चुका है सर जेरमिया बैरियार्ड का। गेटी थिएटर 1887 में नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में बना था। तो ये हिमाचल प्रदेश की शिमला की कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, इन बिल्डिंग्स के बारे में आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए प्रेम प्रचारिणी सभा धामी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन, धामी प्रेम प्रचारिणी सभा जो थी जो है वो कहाँ, धामी प्रेम प्रचारिणी सभा जो थी वो कब बनी थी। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1937। 1937 में धामी प्रेम प्रचारिणी सभा बनी थी, और देखिए इसे धामी रियासती प्रजामंडल में कन्वर्ट कर दिया गया था 1939 में। तो ये तो आप धामी प्रेम प्रचारिणी सभा और धामी रियासती प्रजामंडल के बारे में याद रखिए। अच्छा, अब धामी गोलीकांड कब हुआ था, धामी गोलीकांड भी 1939 में ही हुआ था। ये भी 1939 में हुआ था धामी गोलीकांड। और धामी प्रजामंडल जो था, धामी प्रजामंडल किसके द्वारा आगे ले जाया गया था, तो ये श्री सीताराम के द्वारा जो था इसका नेतृत्व किया गया था धामी प्रजामंडल का। इसके अलावा आप याद रखें हिमालयन रियासती प्रजामंडल जो था वो 1938 में बना था। इसके सेक्रेटरी जो थे पहले उनका नाम था पंडित पदम देव। और हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल जो था वो 1946 में बना था। तो इतना बेसिक्स आप याद रखिए, जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया इनके बारे में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिमाचल प्रदेश जुडिशियल अकेडमी वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन, हिमाचल प्रदेश जुडिशियल अकेडमी जो थी वो कब बनाई गई थी, कब इसकी स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2005।
देखिए 24 नवंबर 2005 को इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। अच्छा, ये कहाँ पर स्थित है? तो डिस्ट्रिक्ट शिमला के घंडाल में ये स्थित है, और ये जो है ये करजन हाउस में स्थित है, करजन हाउस बिल्डिंग में ये स्थित है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना 1971 में जो था वो हुई थी, 1971 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? उनका नाम था मीर हिमदुल्ला बेग, और प्रेजेंटली एल नारायणम स्वामी जो है हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं। और पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी? पहली महिला चीफ जस्टिस थी श्रीमती लीला सेठ, ये 1991 में जो था वो चीफ जस्टिस बनी थी। याद रखें, 1991 में श्रीमती लीला सेठ जो थी वो हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्य चीफ जस्टिस जो थी वो बनी थी। तो इतना बेसिक्स आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखें। सो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रेरा? रेरा की जो फुल फॉर्म है वो है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है इसकी फुल फॉर्म है। रेरा का जो एक्ट है ये है 2016 का एक्ट, 2016 का एक्ट है। और ये कब फोर्स में आया था? अगर आपसे पूछा जाए कि व्हेन डिड रेरा एक्ट 2016 केम इन टू फॉर्म, तो देखिए रेरा एक्ट 2016 जो था वो फोर्स में आया था 1 मई 2017, 1 मई 2017 को ये फोर्स में आया था। तो ये यहाँ से आप याद रखिए, और मैंने कल भी आपको इसके बारे में डिटेल में बताया था। इसके जो चेयरमैन है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके चेयरमैन जो है वो श्री श्रीकांत बाल्दी को जो है वो नियुक्त किया गया है। ये IAS रिटायर्ड हैं, पहले ये हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी थे। हिमाचल प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी अनिल कुमार खांजी को बनाया गया है, और रेरा का नया चेयरमैन बनाया गया है श्रीकांत बाल्दी को। यहाँ से ये दो तीन कॉन्सेप्ट आप याद रखें कि रेरा का पूरा नाम क्या है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा एक्ट है, 2016 का एक्ट है, ये एक्ट कब फोर्स में आया, 2017 में ये फोर्स में आया, इसके चेयरमैन कौन है, अभी हाल ही में जो है हमारे नए चीफ सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है। तो ये बेसिक सी जानकारी आपको रेरा के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके लिए बनता है। हिमाचल बिकम स्टेट टू लॉन्च माई गॉव वेब पोर्टल। हिमाचल माई गॉव वेब पोर्टल शुरू करने वाला भारत यहाँ पर होगा, भारत का कौन सा राज्य बना है? देखिए हिमाचल जो है कौन सा राज्य बना है भारत का माई गॉव वेब पोर्टल लॉन्च करने वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी मुख्यमंत्री का जन्मदिन था, तो उसी के उपलक्ष्य पर उसी के दिन जो है माई गॉव वेब पोर्टल जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया। हिमाचल जो है वो 11th स्टेट बना है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 11th स्टेट जो है वो हिमाचल बना है माई गॉव वेब पोर्टल लॉन्च करने वाला। अच्छा, इसके बारे में तो ये हो गया माई गॉव वेब पोर्टल के बारे में। अच्छा, अब ये माई गॉव वेब पोर्टल क्या है, इस पोर्टल के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए इस पोर्टल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले ये पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि लोगों तक जो है वो सरकार की योजनाएँ पहुँच सकें, लोगों तक सरकार की योजनाएँ पहुँच सकें, और लोग उन योजनाओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। पहला ये इसका एम है। दूसरा एम जो है वो है कि लोगों और प्रशासन के बीच अच्छा तालमेल हो सके, मतलब प्रशासन के जो लोग हैं वो आम जनता के बीच आकर कार्य करें और लोगों को हर एक स्कीम का पता चले और उसका फ़ायदा पहुंच सके। और गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स चलाई जाती हैं उनमें भी लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। देखिए इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे कुछ टाइम पहले ही मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो बजट जो होता है हमारा उसमें लोग अपने सुझाव दें कि किस तरह का बजट होना चाहिए, तो लोग बजट के जैसे इस तरह के सुझाव लोग दे सकते हैं, इस तरह से लोग अपनी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके साथ ही इस माई गॉव वेब पोर्टल के साथ ही एक CM ऐप भी लॉन्च किया गया है। CM ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। तो ये दो चीज़ें आप याद रखें, CM ऐप और माई गॉव वेब पोर्टल। और इस माई गॉव वेब पोर्टल के बारे में बेसिक सी जानकारी मैंने आपको बता दी। हिमाचल जो है वो 11वां राज्य बन गया है भारत का इसको लॉन्च करने वाला। क्वेश्चन नंबर 3 है, द जापरो डांस इज परफॉर्म्ड इन। जापरो डांस कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है? तो देखिए जापरो डांस जो है वो हांगरंग वैली में परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, हांगरंग वैली। की हांगरंग वैली कहाँ पर है? ये किन्नौर में स्थित है हांगरंग वैली, और यहीं पर ये लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है जापरो डांस।
अच्छा बात हुई है कुछ फेमस डांसेस की, तो कुछ फेमस डांसेस हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए उजिगजामा और फिल्ली डांस जो है वो कुल्लू के लोगों के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, छोहारा डांस महासू के लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, बूढ़ा धांगराज और करास जो है वो सिरमौर के लोगों के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, झांकी झंझार और हंतार जो है वो चंबा के लोगों के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, सीह जो है वो जुब्बल और रोहडू में परफॉर्म किया जाता है, जापरो डांस किन्नौर की हांगरंग वैली में परफॉर्म किया जाता है, कयांग बाख्यांग बाख्यूंच जो है ये किन्नौर के डांसेस हैं, और लामा डांस जो है वो बौद्ध एरिया में इस डांस को जो है वो धूम के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ डांसेस हैं, इन डांसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है, हु वॉज इलेक्टेड एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ शिमला रियासती प्रजामंडल। शिमला रियासती प्रजामंडल के जनरल सेक्रेटरी कौन थे, इसे SRPMB बोलते हैं, शिमला रियासती प्रजामंडल। तो देखिए शिमला रियासती प्रजामंडल के जो जनरल सेक्रेटरी थे उनका नाम था ज्ञानचंद टोटू। ज्ञानचंद टोटू जो था उनका नाम था। अब ज्ञानचंद टोटू जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए ये थे शिमला रियासती प्रजामंडल के जनरल सेक्रेटरी, और ये शिमला रियासती प्रजामंडल के प्रेसिडेंट भी बने थे। कब ये प्रेसिडेंट बने थे, 1940 में, 1940 ईस्वी में ये शिमला रियासती प्रजामंडल के प्रेसिडेंट बने थे। तो प्रेसिडेंट ये कब बने थे, जनरल सेक्रेटरी, आपको पता होना चाहिए। अच्छा अब यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना कब हुई थी, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना कब हुई थी, HSRC, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, इसकी स्थापना जो थी वो कब हुई थी, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है, क्वेश्चन नंबर फाइव है, श्री ML होगेल इंट्रोड्यूस्ड ट्राउट ब्रीड इन हिमाचल इन, श्री ML होगेल के द्वारा ट्राउट ब्रीड जो थी वो कब हिमाचल में इंट्रोड्यूस की गई थी। ट्राउट जो है मछली की एक ब्रीड है, कि कब इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, 1909 में इनके द्वारा ट्राउट ब्रीड जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी ML होगेल के द्वारा हिमाचल में। देखिए इस ब्रीड के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि एक मछली की ब्रीड है, परंतु कुछ और ब्रीड भी हैं मछली की जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए एक तो है मसहीर ब्रीड, काफ़ी बार पूछा गया है, मीडर कार्प ब्रीड, ये भी मछली की ब्रीड है, स्नो ट्राउट, ये भी मछली की ब्रीड है। अब मछली की जब बात हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि देवली मछली प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है। देवली मछली प्रजनन केंद्र डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के घाघस के समीप स्थित है, दियोली नामक जगह पर, और ये कौन सी खड के किनारे स्थित है, तो ये अड़ी खड के किनारे स्थित है दियोली मछली प्रजनन केंद्र। अच्छा दियोली मछली फार्म के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी, 1960 में इसकी स्थापना जो थी वो हुई थी। और देखिए ट्राउट मछली की बात हुई तो ट्राउट फिश फार्म जो है वो कहाँ कहाँ पर है, तो देखिए एक तो है पतलीकुल्हा जो कि कुल्लू में स्थित है, बरोट बरोट जो है वो स्थित है ऊहल मंडी के समीप, होली में ये स्थित है, होली चंबा में स्थित है, शिमला में भी जो है ट्राउट मछली का प्रजनन किया जाता है, और देखिए किन्नौर में भी जो है ट्राउट मछली का फार्म, मछली का प्रजनन जो है वो किया जाता है। ट्राउट मछली के बारे में ये हो गया बेसिक सा, दियोली फिश फार्म जो कि इंपॉर्टेंट है और जिसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है, एक बार क्लरिकल के एग्जाम में ही पूछ लिया गया था कि दियोली प्रजनन केंद्र जो है वो कौन सी खड के किनारे स्थित है, तो अड़ी खड के किनारे स्थित है, अली जो है वो सतलुज की सहायक नदी है। तो ये था बेसिक सा फिश के बारे में, ट्राउट फिश के बारे में भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विच राजा ऑफ बिलासपुर वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ नादिर शाह, बिलासपुर के कौन से राजा नादिर शाह के समकालीन थे। देखिए बिलासपुर के राजा देवी चंद बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी, देवी चंद जो थे बिलासपुर के राजा थे और ये नादिर शाह के समकालीन थे। अच्छा राजा देवी चंद के बारे में आपको पता होना चाहिए, देखिए राजा देवी चंद जो थे इनका कार्यकाल जो है वो बड़ा समृद्ध माना जाता है। इन्होंने भीमई कोट बनाया था, भीमई कोट का किला जिसे कहते हैं वो इन्होंने बनवाया था, और इनके बाद जो बिलासपुर के राजा बने उनका नाम था राजा महान चंद। तो ये आप याद रखिए देवी चंद के बारे में, देवी चंद बिलासपुर के राजा थे। अब डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की बात हुई है तो देखिए डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के बारे में भी बेसिक हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए मैप में, ये है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के साथ सोलन मंडी हमीरपुर और ऊना ये जो है ये बाउंड्री शेयर करते हैं, ये भी आप याद रखें डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर मैप में कहाँ पर है।
डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में हुआ था 1 जुलाई 1954 को। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का जो टोटल एरिया है 1167 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 2.10% कवर करता है। बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर है और कहलूर की स्थापना राजा वीरचंद के द्वारा की गई थी। बिलासपुर की स्थापना राजा दीपचंद ने 1654 में की थी। बिलासपुर के अंतिम राजा राजा आनंद चंद थे। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर किताब राजा आनंद चंद के द्वारा लिखी गई है। गुरु का लाहौर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। टैंक रिवाल्सर टैंक जमथार झंझारधार डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। छातीपुर फोर्ट फतेहपुर फोर्ट बहादुरपुर फोर्ट कोट कहलूर फोर्ट सिरयून फोर्ट बिलासपुर में है। जंगल थलेरा हर्बल गार्डन बिलासपुर में स्थित है। बेराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट 5 मेगावाट का है, ये बिलासपुर में स्थित है। टी ग्रामन बेली ने डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की बोलियों को जो था वो 6 कैटेगरी में डिवाइड किया था। भाखड़ा डैम 1948 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी और 1963 में भाखड़ा डैम की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी। ये बेसिक्स आर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के बारे में याद रखें। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिब्बा रिमेंड अंडर संसार चंद ऑफ कांगड़ा फ्रॉम 1786 टू, सिब्बा रियासत जो थी वो 1786 से कब तक कांगड़ा के राजा संसार चंद के अधीन रहा। देखिए सिब्बा एक रियासत थी, सिब्बा रियासत जो थी वो 1786 से लेकर 1806 तक, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, 1806 तक जो था वो कांगड़ा के राजा संसार चंद के अधीन रही थी। और उस समय सिब्बा के जो राजा थे उनका नाम था राजा गोविंद सिंह। अब सिब्बा रियासत की बात हुई है, सिब्बा के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिब्बा जो थी वो गुलेर की एक शाखा थी और सिब्बा की स्थापना जो थी वो 1450 ईस्वी में हुई थी। सिब्बा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सिब्बा की स्थापना जो थी वो सिब्रम चंद के द्वारा की गई थी। जहांगीर और नूरजहां ने जो था सिब्बा विजिट किया था 1622 ईस्वी में, 1622 में जहांगीर और नूरजहां के द्वारा सिब्बा विजिट किया गया था। 1809 ईस्वी में सिब्बा जो था वो राजा रणजीत सिंह के अधीन आ गया था और 1830 ईस्वी में जो था वो रणजीत सिंह ने सिब्बा के राजा गोविंद सिंह को इसे वापस दे दिया था। सिब्बा के जो अंतिम राजा थे वो थे राजा राम सिंह, 1845 में ये सिब्बा के राजा बने थे और राजा राम सिंह की जो थी वो निसंतान मृत्यु हो गई थी। इतना बेसिक्स आप याद रखिए सिब्बा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच राजा ऑफ हंडूर वॉज लवर ऑफ आर्किटेक्ट एंड बिल्ट राम शहर। हंडूर के कौन से राजा जो थे वो आर्किटेक्ट के लवर थे, आर्किटेक्ट के प्रेमी थे और जिन्होंने बाद में चलकर राम शहर की स्थापना की थी। बस 4 ऑप्शन दी गई हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजा रामचंद। राजा रामचंद जो थे वो आर्किटेक्ट के प्रेमी थे और इन्होंने जो था वो स्थापना की थी राम शहर की, और राम शहर के साथ ही इन्होंने जो था वो रामगढ़ किला भी बनवाया था। राम शहर और रामगढ़ किला इनके द्वारा ही बनवाए गए थे। हंडूर के बारे में काफ़ी टाइम से हमने रिवाइज नहीं किया है, हंडूर की बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। हंडूर का नया नाम जो है वो है नालागढ़, नालागढ़ इसका नया नाम है। और हंडूर की स्थापना जो थी वो किसने की थी, हंडूर की स्थापना राजा अजीत चंद ने की थी। जिस समय तैमूर ने आक्रमण किया था 1398 में इंडिया पर, उस समय जो हंडूर के राजा थे उनका नाम था राजा आलम चंद। राजा आलम चंद जो थे उस समय हंडूर के राजा थे और राजा आलम चंद ने जो था वो तैमूर की सहायता भी की थी। बिलासपुर के राजा कल्याण चंद ने जो था एक किला बनवाया था, जिस किले को लेकर जो था वो बिलासपुर के राजा कल्याण चंद और राजा हंडूर के राजा के बीच में युद्ध हुआ था। और हंडूर के जो अंतिम राजा थे उनका नाम था राजा सुरेंद्र सिंह, राजा सुरेंद्र सिंह हंडूर के अंतिम राजा थे। और प्रेजेंट टाइम में बात की जाए तो हंडूर को जो है नालागढ़ के नाम से जाना जाता है, और नालागढ़ जो था वो 1966 में जो था वो हिमाचल का पार्ट बन गया था, हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट सोलन में अब ये पड़ता है। तो इतना बेसिक्स आप हंडूर के बारे में याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ शिशुल एरिया। शिशुल एरिया के लोगों के द्वारा जो है वो कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। देखिए शिशुल एरिया के लोगों के द्वारा लैंग्वेज बोली जाती है जिसका नाम है तिन्नान। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, तिन्नान लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है शिशुल एरिया के लोगों के द्वारा। अब बात हुई है लैंग्वेजेस की, तो काफ़ी टाइम से ये चीज़ें भी रिवाइज हमने नहीं की हैं, तो इन चीज़ों को भी एक बार रिवाइज करते हैं ताकि एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाएँ तो आप इनके बारे में बता सकें। तो देखिए हिमाचल के एंशियंट लोगों के द्वारा जो है वो कोलारिया भाषा बोली जाती थी, मलाना के लोगों के द्वारा कनाची भाषा बोली जाती है, कुमारसेन कोटगढ़ रामपुर के लोगों के द्वारा कोची भाषा बोली जाती है, जुब्बल कोटखाई रोहडू के लोगों के द्वारा बैरवेरी भाषा बोली जाती है, मंचद और चिनाली भाषा स्वांगलास के द्वारा बोली जाती है,
और किन्नौर के 75% लोग भी मंचद भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तिनान भाषा जो है वो चंद्रा वैली के लोगों के द्वारा बोली जाती है और शिशुल एरिया में बोली जाती है। तो ये लैंग्वेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक बार जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था कि हिमाचल के प्राचीन लोगों के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? वो बोली जाती है कोलारिया भाषा। अच्छा, लैंग्वेज से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। लैंग्वेज जो है वो कौन से शेड्यूल के अंडर आती हैं? शेड्यूल के अंडर कौन से आती हैं लैंग्वेज, ये आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है। देखिए, इस तरह से हमारा पॉलिटी का रिवीजन, ज्योग्राफी का रिवीजन, ये सभी रिवीजन हमारे साथ साथ में होते रहते हैं। अगर आप लोग कमेंट करके बताते हैं तो आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से याद रह जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 10, एचपी इट्स स्टेट एंड शेप इज रिटन बाय, एचपी इट्स शेप एंड स्टेट किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है डॉक्टर वाई एस परमार के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, वाई एस परमार के द्वारा लिखी गई है एचपी इट्स शेप एंड स्टेट। अच्छा, बुक्स की बात हुई है तो बुक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिन सभी क्वेश्चंस को हम रिवाइज करते हैं। देखिए, पोलेंड्री ऑफ हिमालयस लिखी गई है वाई एस परमार के द्वारा, एचपी इट्स शेप एंड स्टेट वाई एस परमार ने लिखी है, हिमालयस अवार्ड ऑफ लाइट निकोलस रोरिक के द्वारा लिखी गई है, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट मनमोहन सिंह ने लिखी है, हिस्ट्री ऑफ मंडी विक्रम कायत्स ने लिखी है, मुख्तसर तारीख के रियासत चंबा गरीब खान के द्वारा लिखी गई है, कंट्री लाइफ नोरा रिचर्ड के द्वारा लिखी गई है, हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट जे हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है, एंटीक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट जे पी एच वगैरह ने लिखी है, हिमालयन सर्किट जे डी घोसला ने लिखी है, कुल्लू एंड लाहौल जी से ब्रूसी के द्वारा लिखी गई है, हिमालयन पिलग्रिमेज बी एन दत्तार ने लिखी है, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति ट्रैवल टू कश्मीर एंड लद्दाख ए पी एफ हारकोट ने लिखी है, इंडियन पेंटिंग फ्रॉम द पंजाब हिल्स डब्ल्यू जी आर्कर के द्वारा लिखी गई है, कांगड़ा वैली पेंटिंग कांगड़ा पेंटिंग्स एम एस रंधावा ने लिखी हैं, चंबा पेंटिंग वी सी ओहरी के द्वारा लिखी गई हैं, तारीख़े रियासत सिरमौर रंजौर सिंह ने लिखी हैं, बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर बिलासपुर अ पीपल ऑफ बैटरियाड अनंत चंद ने लिखी हैं, कुलुत देश की कहानी किताब लालचंद पारथी ने लिखी है, किन्नर प्रदेश हिमालयन परिचय राहुल संकृत्यान ने लिखी हैं, हिमालयन आर्ट जे सी फ्रेंक ने लिखी हैं, प्राचीन हिमाचल एल पी पांडे ने लिखी है, अबॉर्ड ऑफ गॉड एंड्रयू विल्सन ने लिखी है, शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट ईजे बक ने लिखी है, हिमाचल प्रदेश परिचय हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक देवराज शर्मा ने लिखी है, ट्रैवल इन कश्मीर एंड लद्दाख विग्ने के द्वारा लिखी गई हैं। तो ये बे हैं, इन विच ईयर डिड द क्योंथल किंग गिव कसुमटी ऑन लीज टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट? किस वर्ष क्योंथल के राजा ने कसुमटी को ब्रिटिश सरकार को पट्टे पर दे दिया था? चार ऑप्शन दी गई हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है 1884। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, 1884 में क्योंथल के राजा ने कसुमटी को ब्रिटिश सरकार को पट्टे पर दे दिया था। अच्छा, बात हुई है क्योंथल की, सबसे पहले तो आपको क्योंथल रियासत के बारे में पता होना चाहिए। क्योंथल की स्थापना जो थी वो गिरी सेन के द्वारा की गई थी 1211 ईस्वी में। 1211 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, याद रखें। देखिए, जिस समय गोरखाओं ने आक्रमण किया था उस समय क्योंथल के राणा थे राणा रघुनाथ सेन, और राणा रघुनाथ सेन जो थे वो गोरखाओं के डर से सुकेत भाग गए थे। 1815 ईस्वी में घुंड मधान रतेश ठियोग कोठी ठकुराइन जो थी वो क्योंथल रियासत के अधीन आ गई थी। प्रेजेंटली जो हमारा शिमला शहर है वो भी पहले क्योंथल रियासत के अधीन आता था। क्योंथल के राजा राजा संसार सेन ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की थी, जिसके लिए अंग्रेजों ने इन्हें राजा की उपाधि भी दी थी, और कसुमटी को देखे हुए पट्टे पर दे दिया गया था 1884 में। तो ये बेसिक सी जानकारी आप क्योंथल के बारे में याद रखिए। क्योंथल के अंतिम राजा जो थे वो थे राजा हितेंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड दी बार्न्स कोर्ट बिकम दी रेजिडेंस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब? बार्न्स कोर्ट कब पंजाब के उप राज्यपाल का आवास बना था? कुछ चार ऑप्शन दी गई हैं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 1879 जो है वो सही आंसर है। 1897 में जो था वो बार्न्स कोर्ट जो था वो बना था लेफ्टिनेंट गवर्नर का रेजिडेंस, जो कि पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। अच्छा, बार्न्स कोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। बार्न्स कोर्ट को जो है वो राजभवन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, 1972 में यहाँ पर शिमला एग्रीमेंट हुआ था इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये बेसिक्स आप इसके बारे में याद रखिए, किसे राजभवन के नाम से भी जाना जाता है। प्रेजेंटली यहाँ पर हिमाचल के गवर्नर का रेजिडेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हिल ऑफ डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर डिवाइड अली खड इंटू टू पार्ट्स? देखिए, बिलासपुर की कौन सी
पहाड़ी जो है वो अली खट को जो है दो भागों में बांटती है। अली खट जो है वो सतलुज की सहायक नदी है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा, आपको चार ऑप्शन दी गई हैं, तो बहादुरपुर हिल्स सही आंसर है, ऑप्शन बी बहादुरपुर हिल्स। अब अली खट सतलुज की सहायक नदी है। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो दियोली फिश फार्म है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के घाघस में, वो कौन सी खड के किनारे स्थित है? तो वो अली खड के किनारे स्थित है। कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको बताया था कि हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है, तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की कौन सी हिल पर ये स्थित है? तो बंदला हिल्स पर जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो स्थित है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के। कोट कहलूर और फतेहपुर फोर्ट जो है वो नैना देवी हिल्स पर स्थित है। एक क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है वो था कि बहादुरपुर और बंदला हिल्स जो है वो कौन सी वैली में स्थित है? बहादुरपुर और बंदला हिल्स जो है वो दानविन वैली में स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बिलासपुर की हिल्स के बारे में आपसे डिस्कस किए। इन सभी क्वेश्चन को आप याद रखिए। इन विच ईयर इस पॉम वॉज लॉन्च्ड? देखिए इस पॉम का सबसे पहले आपको पूरा नाम पता होना चाहिए, तो इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड्स पल्सिस ऑयल पाम एंड मेजिस। इसका पूरा नाम आप याद रखिए, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड्स पल्सिस ऑयल पाम एंड मेज इसका पूरा नाम है। तो ये स्कीम जो थी हिमाचल में 2004-2005 में लॉन्च की गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। स्कीम के बारे में याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एक स्कीम है हिमाचल प्रदेश की। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो बनते हैं वो है, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम जो थी वो कब इंट्रोड्यूस की गई थी? नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम जो थी वो 1999 में इंट्रोड्यूस की गई थी। ये आप याद रखिए कब ये इंट्रोड्यूस की गई थी। और हिमाचल प्रदेश के लिए क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम कब इंट्रोड्यूस की गई थी? तो 1981-1982 में। ये पहले तो पायलट प्रोजेक्ट के बेस पर ये प्रोजेक्ट लॉन्च की गई थी, परंतु उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव रूप से ये लॉन्च की गई 1986 में। इस स्कीम के बारे में आप याद रखिए, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है ये हिमाचल प्रदेश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म हैव बीन फंक्शनिंग इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कितने बीज गुणन फार्म काम कर रहे हैं? तो देखिए ये जो है ये कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, 6 फार्म जो है वो काम कर रहे हैं प्रेजेंटली। अगर बात की जाए ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अच्छा वे कहाँ कहाँ पर हैं? तो देखिए एक तो है भनोट्टा में, रजौरा में, भगात में, दरवाज में, अहला में और थुलैट में। इन सभी नामों को आप याद रखें। डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो प्रेजेंटली काम कर रहे हैं 6 ऐसे फार्म सीड मल्टीप्लिकेशन से जो रिलेटेड हैं। अब कहाँ कहाँ पर ये काम कर रहे हैं एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, भनोट्टा, रजौरा, थुलैट, अहला, भागात, दरवास, इन 6 जगहों पर ये काम कर रहे हैं। बात हुई है डिस्ट्रिक्ट चंबा की, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन को एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट चंबा का गठन जिले के रूप में होता 15 अप्रैल 1948 को। डिस्ट्रिक्ट चंबा का एरिया है 6,528 स्क्वायर किलोमीटर। नरसिंह टिब्बा गौरदेवी का टिब्बा डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। भूरी सिंह म्यूजियम 1908 में बना था, इसकी स्थापना राजा भूरी सिंह के द्वारा ही की गई थी। कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। गैम्यूल सिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। पर्वतीय ग्रामीण बैंक हाथीदार डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। दीपक और धांगी डांसेज जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा के फेमस डांसेज है। हंतार जो है वो भी डिस्ट्रिक्ट चंबा का ही डांसेज है। महाकाली लेक डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। सतधार वाटरफॉल डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। कालिका वाटरफॉल डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। धानचो वाटरफॉल डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। सुकरात जो है वो फेमस सॉन्ग है चंबा का। कुंजड़ी और कुंजवा डिस्ट्रिक्ट चंबा के सॉन्ग हैं। बैरासूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। चकली कॉइन जो है वो चंबा का फेमस कॉइन है। हॉप कल्टीवेशन जो थी वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में इंट्रोड्यूस की गई थी 1880 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमेरा डैम इन डिस्ट्रिक्ट चंबा हैज़ बीन ऑपरेटेड बाय? जिला चंबा में चमेरा बांध का संचालन किया गया है। तो देखिए संचालन किया गया है NHPC के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अब चमेरा डैम के बारे में आपको पता होना चाहिए। चमेरा डैम जो है ये 3 फेसिस में डिवाइड हो गया है। 3 फेसिस हैं इसकी। देखिए पहली फेस जो है वो कितने मेगावाट की है? तो पहली फेस जो है वो है 540 मेगावाट की, 540 मेगावाट की है पहली फेस। सेकंड फेस जो है वो है इसकी 300 मेगावाट की, 300 मेगावाट की है ये सेकंड फेस। और उसके बाद अगर थर्ड फेस की बात करें, थर्ड फेस जो है वो है 231 मेगावाट की। और ये कौन सी नदी के ऊपर बना है? तो ये रावी नदी के ऊपर बना हुआ है।
रावी नदी के ऊपर बना है और एनएचपीसी के द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट चंबा के कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं जिनको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, तो वो है हिब्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, ये रावी नदी के ऊपर बना हुआ है और 260 मेगावाट का है। कुठैर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भरमौर में स्थित है, ये रावी नदी के ऊपर बना हुआ है, 260 मेगावाट का है। होली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, ये 3 मेगावाट का है और रावी नदी के ऊपर बना हुआ है। बैरासियूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये भी रावी नदी के ऊपर बना है, चंबा में स्थित है और बैरासियूल भी जो है वो एनएचपीसी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। 1981 में ये बना था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हमने डिस्कस किए डिस्ट्रिक्ट चंबा के, इन प्रोजेक्टों के बारे में आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दी फॉलोइंग क्रॉप इज नॉन बाय द नेम थाग इन किन्नौर लोकल लैंग्वेज। किस क्रॉप को जो है वो किन्नौर की लोकल लैंग्वेज में थाग के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बार्ली। बैरली को जो है वो जाना जाता है, बैरली जौ को कहते हैं। अब देखिए जौ को जाना जाता है तो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में ये फसल उगाई जाती है जिसको थाग कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के बारे में। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का एरिया है 6,401 स्क्वेयर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 11.50% कवर करता है। किन्नौर का गठन जो है अलग जिले के रूप में होता है 1 मई 1960 को। कामरू फोर्ट, सपनी फोर्ट सांगला वैली में स्थित है। हांगरांग वैली डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, सांगला वैली रोपा वैली किन्नौर में है। लास्ट विलेज इंडो चाइना बॉर्डर पर रहा है चितकुल विलेज, जिसकी हाइट है 11,319 फीट। और आमिंग टेम्पल डिस्ट्रिक्ट चंबा में किन्नौर में है। चंपा और चाशीम फेमस डांसेज हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के। किन्नौरी लैंग्वेज में जो है विलेज को देशांग कहा जाता है। कामिलागा पास जोड़ता है किन्नौर को गढ़वाल से। किन्नौर के लोगों को तिब्बतियंस के द्वारा खुन्नू कहा जाता है। लिप्पा झांगी चांगू कन्नम ये मोनेस्ट्रीज हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। पाराशाला पीक डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। सुरंग लेक नाको लेक डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIM-123BL78 विजय आमेर आर हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ विच इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप। HIM-123BL78 विजय आमेर जो है वो कौन सी फूड क्रॉप की वेराइटीज हैं? बस चार ऑप्शन दी गई हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है मेज, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। मेज की ये वेराइटीज हैं HIM-123, 123, BL78, विजय आमेर, ये किसकी वेराइटीज हैं? मेज की वेराइटीज हैं। इसके अलावा आप कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ याद रखिए पोटैटो की, क्योंकि पोटैटो जो है इंपॉर्टेंट क्रॉप है एक हिमाचल प्रदेश की। देखिए अप टू डेट एक वेराइटी है इसकी, और कुफरी कुफरी की जितनी भी वेराइटीज़ हैं वो पोटैटो में ही आती हैं। और टोमेटो के बारे में भी कई बार पूछ जाता है। तो देखिए टोमेटो के बारे में अगर आपसे पूछ जाए, लालिमा किसकी वेराइटी है? लालिमा जो है वो टोमेटो की वेराइटी है। हिम सोना किसकी वेराइटी है? तो हिम सोना भी जो है एक टोमेटो की वेराइटी है। देखिए पोटैटो टोमेटो और इसके अलावा मेज की ये इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ आप याद रखिए, अगर एग्जाम में पूछी जाएँ तो आपको इन वेराइटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड राजीव गांधी सम्मान अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन सोशल सर्विसेज एंड जर्नलिज्म इन 2006। 2006 में सामाजिक सेवाओं और पत्रकारिता के उपलब्धि के लिए राजीव गांधी सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है देवी चरण को। ऑप्शन बी जो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है देवी चरण। देवी चरण को इसके लिए राजीव गांधी सम्मान अवार्ड दिया गया था पत्रकारिता और सामाजिक सेवाओं के लिए। अब ये एक एनजीओ के साथ भी जुड़े हुए हैं, उस एनजीओ का नाम आप याद रखिए। ये एनजीओ जो है ये है दीपाल्य एनजीओ। दीपाल्य एनजीओ से ये जुड़े हुए हैं और कहाँ से संबंध रखते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये संबंध रखते हैं? तो डिस्ट्रिक्ट चंबा से ये संबंध रखते हैं। इसके अलावा आप एक और डिस्ट्रिक्ट चंबा की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का नाम याद रखिए, जिनका नाम है कुलभूषण उपमान्या। कुलभूषण उपमान्या जो है ये चिपको मूवमेंट से रिलेटेड हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा की, एक देवी चरण हो गया और दूसरा कुलभूषण कुलभूषण उपमन्यु हो गया। इन दोनों के नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपाछवा और तशुस थुवाकाष्टी आर मेनली टाइप ऑफ। देखिए ये कुपछाछा और तशुस थुवाकाष्टी जो है ये टाइप है, किसकी टाइप है? ये डाइवोर्स की टाइप है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, ये स्पीति में डाइवोर्स की टाइप है। इनका याद रखिए आप, स्पीति की एक और इम्पोर्टेंट मैरिज की टाइप है जिसका नाम है कांदम। कांदम जो है उस स्पीति की मैरिज टाइप है। इस मैरिज टाइप को कहा जाता है अगर पेरेंट्स की विशेष के अगेंस्ट जाकर मैरिज की जाती है तो कहा जाता है कंदम मैरिज। ये स्पीति की दो, एक तो मैरिज टाइप हो गया, एक डाइवोर्स टाइप हो गया। इन दोनों के नाम आप याद रखिए। इसके अलावा
लाहौल की कुछ इंपॉर्टेंट मैरिज टाइप हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो होगी तेभागस्टन, ये जो है अरेंज्ड मैरिज टाइप है, और दूसरी है खोआची, खोआची बिया, ये जो है एक ब्रीफली परफॉर्म की जाने वाली मैरिज की टाइप है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैरिज की टाइप हैं लाहौल और स्पीति की, जिनके नाम आपको बेसिकली याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, सहारा योजना किससे संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सहारा योजना जो है वो संबंधित है स्वास्थ्य से। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, सहारा योजना जो है वो स्वास्थ्य से संबंधित है। अच्छा, अब इस योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, सहारा योजना जो है वो बीपीएल व जिन लोगों की आय जो है वो 4 लाख से कम है वार्षिक आय, उन सदस्यों को जो है इसके तहत लाभान्वित किया जाता है। और बड़ी बीमारी से अगर कोई भी मरीज ग्रस्त है, उसको कोई भी बड़ी बीमारी का वो शिकार है, तो उसको प्रति माह जो है वो 2,000 रुपया दिया जाता है। और अगर बजट की बात की जाए, देखिए कई बार बजट पूछ लिया जाता है, तो बजट जो है स्कीम का होता है 10 करोड़। जो अभी का बजट रखा गया था, सालाना बजट, तो वो 10 करोड़ बजट रखा गया था। और अभी तक के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 1200 से ऊपर लोगों जो हैं वो इससे लाभान्वित हो चुके हैं। तो ये आप बेसिक सा याद रखिए सहारा योजना के बारे में। देखिए, सहारा योजना बेसिक पॉइंट आप याद रखिएगा, सहारा योजना जो है स्वास्थ्य से संबंधित है, बीपीएल परिवारों और जिन लोगों की आय 4 लाख से कम है, उन लोगों को जो है इस सहारा योजना के तहत जो है वो लाभ दिया जाता है। तो ये हो गया सहारा योजना के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विस्टाडोम क्या है? अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन दी गई हैं। देखिए, विस्टाडोम अभी रिसेंटली न्यूज़ में चला था, आपने इसके बारे में न्यूज़ में भी सुना होगा। विस्टाडोम जो है वह एक ट्रेन है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, विस्टाडोम एक ट्रेन है। देखिए, अभी जो है वो कालका शिमला रेलवे लाइन जो है, यहाँ पर एक नई रेल चलाई गई है, इस रेल का नाम है विस्टाडोम ट्रेन। देखिए, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं यही है विस्टाडोम ट्रेन। इस ट्रेन की खास बात यह है कि इसके चारों तरफ जो है शीशे लगे हुए हैं, मतलब इसका छत जो है वो भी शीशे का ही बना हुआ है। तो ये विस्टाडोम ट्रेन की खास बात है। अच्छा, कालका शिमला रेलवे लाइन की बात हुई है, तो कालका शिमला रेलवे लाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, कालका शिमला रेलवे लाइन जो था वो 1903 में बना था। कब बना था ये? 1903 में बना था। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि कब बना था कालका शिमला रेलवे लाइन। इसमें टोटल नंबर ऑफ टनल्स हैं 103, परंतु अब जो है ये रह गई हैं 102, क्योंकि एक टनल जो है वो टूट गई है, तो उसके बाद 102 टनल्स रह गई हैं। ये विस्टाडोम ट्रेन जो चलाई गई है, इस ट्रेन की खास बात क्या है? तो देखिए, इसमें जो है वो 7 कोचिज ट्रेन है, इसमें 7 डब्बे हैं, 15 सीटें जो हैं वो हर एक डब्बे में स्थापित की गई हैं। एसी की सुविधा भी इस ट्रेन में दी जाएगी, और देखिए मोबाइल फोन चार्जिंग पॉइंट भी इस ट्रेन में है। तो ये कुछ बेसिक सी फैसिलिटीज़ हैं जो पहले शिमला कालका में जो ट्रेन चलती थी वो फैसिलिटीज़ उन ट्रेन में नहीं होती थी, परंतु अभी जो विस्टाडोम ट्रेन चलाई गई है इस ट्रेन में ये फैसिलिटीज़ हैं। और बेसिक सा आप याद रखिएगा कि 1903 में ये ट्रेन चली थी, 103 जो है वो टनल्स हैं। और अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इस रेलवे को जो है वो हेरिटेज का दर्जा भी दिया गया है, कालका शिमला को हेरिटेज का दर्जा भी दिया गया है। तो इसे कब हेरिटेज का दर्जा दिया गया था? इस रेलवे ट्रैक को जो है वो 2008 में जो था इसे हेरिटेज का दर्जा दिया गया था यूनेस्को के द्वारा, याद रखें 2008 में, 3 जुलाई 2008 को इसे ये दर्जा दे दिया गया था। याद रखें 3 जुलाई, और कब ये ट्रेन चली थी, कितनी टनल्स हैं, कब इसे हेरिटेज का दर्जा दिया गया, और विस्टाडोम क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, तो इन्हें आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर थ्री है, हाल ही में नोएडा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में किसको सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड दिया गया है? देखिए, नोएडा में जो था वो आयोजित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल। तो इस फेस्टिवल में जो है वो सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड जो है वो दिया गया है बूढ़ी दिवाली। बूढ़ी दिवाली के ऊपर एक मूवी बनी थी, डॉक्यूमेंट्री बनी थी, उस डॉक्यूमेंट्री को जो है वो सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड दिया गया है। अच्छा, अब इसके निर्माता कौन है? इसके निर्माता जो हैं उनका नाम है मेला राम। ये मेला राम जी जो हैं इन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री का जो है निर्माण, और यही इसके निर्देशक भी थे, और इनकी इस मूवी को, इनकी एक शॉर्ट टर्म फिल्म जो है बूढ़ी दिवाली, इसको दिया गया है नोएडा में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा कितनी सहायता दी जाती है? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार द्वारा 90:10 दिया जाता है, मतलब 90% जो है वो देगी सेंट्रल गवर्नमेंट
और 10% डालना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट माने अपनी हिमाचल प्रदेश सरकार को। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण सड़क योजना का ये फेज़ थ्री चल रहा है। फेज़ थ्री चल रहा है, 2019 में इसे लॉन्च किया गया था फेज़ थ्री को। अब फेज़ थ्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, इस फेज़ में जो है वो जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स में 60:40 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होगा। 60% देगी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डालेगी 40%। परंतु जो नॉर्थन ईस्टर्न हिमालयन हिल स्टेट हैं, नॉर्थन ईस्टर्न हिमालयन हिल स्टेट जो हैं, उन सभी स्टेट्स को जो है वो दिया जाएगा 90:10। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन तीन स्टेट्स को भी 90:10 जो है वो शेयर दिया जाएगा। आठ हो गए हमारे नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स और तीन हो गए हिमालयन हिल स्टेट्स। इन 11 स्टेट्स को जो है वो 90:10 दिया जाएगा और इसके अलावा जितने भी स्टेट्स बच जाते हैं उन सभी को 60:40 के अनुसार जो है वो चलना होगा। मतलब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच ये शेयर है। तो ये बेसिक्स आप याद रखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में, ये इसका फेज थ्री जो है वो चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है, शिमला क्राइस्ट चर्च का निर्माण किसने किया था? देखिए, इस क्वेश्चन में मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दी गई हैं, इसका आंसर मैं आपको इसी तरह बता देता हूँ। इसका निर्माण जो था वो किया गया था जेटी बॉयलियो के द्वारा। जेटी बॉयलियो ने जो था वो 1844 में इन्होंने इसका डिज़ाइन जो था वो तैयार कर दिया था, परंतु इसका निर्माण जो था वो 1857 में शुरू हुआ था। याद रखें, 1844 में इन्होंने इसका डिज़ाइन जो था वो तैयार कर दिया था, परंतु 1857 में जो था ये काम शुरू इसका हो गया था। और इस क्राइस्ट चर्च को जो है वो उत्तरी भारत का दूसरा सबसे पुराना क्राइस्ट चर्च भी माना जाता है। और अगर बात की जाए इसके आर्किटेक्ट स्टाइल की, तो इसका आर्किटेक्ट स्टाइल है नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल। नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में ये चर्च जो है वो बनी हुई है। अभी ये चर्च न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि अब जो है इस चर्च में 38 ईयर्स के बाद जो है इसकी जो बेल्स होती हैं, इसकी जो घंटियाँ होती हैं, वो घंटियाँ बजी हैं। 1982 में इन बेल्स में कुछ खराबी आ गई थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, परंतु अब उसको ठीक कर दिया गया है। और इस बार जब क्रिसमस थी 25 दिसंबर को, तो इस समय जो है वो 38 वर्ष के बाद जो था वो घंटियाँ बजी थी, इसीलिए ये न्यूज़ में थी। तो इसलिए आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस करना इम्पोर्टेंट था। याद रखें, इसका निर्माण किसने किया था और कब इसका डिज़ाइन तैयार हुआ था और कब इसका निर्माण शुरू हुआ था, और ये उत्तरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी चर्च है, दूसरी सबसे पुरानी चर्च है और नियो गॉथिक आर्किटेक्चर में बनी हुई है। तो ये बेसिक सी जानकारी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, कांगड़ा एयरपोर्ट किस खड्ड के किनारे स्थित है? तो देखिए, कांगड़ा का जो एयरपोर्ट है वो स्थित है मांझी खड्ड के किनारे। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। मांझी जो है वो ब्यास की सहायक नदी है, ये भी आप याद रखें, ब्यास की ये सहायक नदी है मांझी। मांझी खड्ड के किनारे ये कांगड़ा एयरपोर्ट स्थित है। तो ब्यास नदी के बारे में अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कई बार हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन है, हाल ही में राज्य स्तरीय अटल सर्वश्रेष्ठ शहर योजना पुरस्कार किसे दिया गया? देखिए, अभी हाल ही में जो है वो राज्य स्तरीय अटल सर्वश्रेष्ठ शहर योजना पुरस्कार दिए गए हैं। ये पुरस्कार दिया गया है सुंदरनगर को। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नगर परिषद सुंदरनगर को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। और ये पुरस्कार जो है, इस पुरस्कार में 1 करोड़ का अमाउंट जो है वो दिया जाता है जो फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे आया है सुंदरनगर, सुंदरनगर को दिया गया है 1 करोड़। उसके बाद सेकंड नंबर पर है चौपाल, चौपाल को 75 लाख रुपीज जो है वो दिए गए हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट और सेकंड पोजीशन। ये अवार्ड जो है वो 2018 के लिए दिया गया है। ये आप याद रखें कि 2018 के लिए सुंदरनगर और चौपाल को ये अवार्ड दिया गया है। अगर 2019 की बात करें तो 2019 के लिए भी ये अवार्ड दिया गया है। 2019 में जो है वो किस किस को ये अवार्ड दिया गया है? 2019 में जो पहले नंबर पर रहा है वो रहा है नगर परिषद पालमपुर, पालमपुर को 1 करोड़ रुपया भी दिया गया है। और दूसरे नंबर पर रहा है नगर पंचायत राजगढ़, इसे 75 लाख रुपया दिया गया है। उसके बाद नगर परिषद श्री नैना देवी जी को स्वच्छता की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। तो ये मैंने 5 चीज़ें आपको बताई, इन 5 चीज़ों को आप याद कर लें। 2018 के लिए राज्य स्तरीय अटल सर्वश्रेष्ठ शहर योजना पुरस्कार सुंदरनगर और चौपाल को दिया गया है। 2019 के लिए जो है वो दिया गया है नगर परिषद पालमपुर और नगर पंचायत राजगढ़ को। और स्वच्छता के लिए जो दिया गया है, स्वच्छता के लिए दिया गया है श्री नैना देवी को।
इतना बेसिक सा आप इन अवार्ड्स के बारे में याद रखें। आप चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं, मैंने दो बार आपको ये रिपीट करके बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट है, अटल टनल से रोहतांग लेह की दूरी कितनी कम हो जाएगी। देखिए अटल टनल आपको पता है कि रोहतांग टनल का नाम बदल कर रख दिया गया है अब अटल टनल। अटल टनल से जो है वो रोहतांग लेह की दूरी जो है वो कम हो जाएगी 46 किलोमीटर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा 46 किलोमीटर जो है वो कम हो जाएगी रोहतांग लेह की दूरी। अब इस टनल के बारे में वैसे तो मैं आपको एक बार बता चुका हूँ, परंतु एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 8.8 किलोमीटर लंबी ये टनल है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 10.5 मीटर। 10.5 मीटर ये इसकी चौड़ाई है और इसकी घोषणा की गई थी 2002 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलंग में इसके निर्माण की घोषणा की थी। ये बेसिक सा अटल टनल के बारे में आप याद रखें। देखिए अटल टनल भी काफ़ी न्यूज़ में रही है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफ़ी बनती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें। सुशासन सूचकांक में पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों में हिमाचल का कौन सा स्थान है। देखिए अभी गुड गवर्नेंस इंडेक्स निकाला गया है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स जिसे हिंदी में कहते हैं सुशासन सूचकांक इंडेक्स जो है निकाला गया है, इसमें हिमाचल का स्थान रहा है पहला स्थान। अब इस गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गुड गवर्नेंस डे जो है वो मनाया जाता है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर 2019 को ये गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है और ये जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया है इसमें कुछ इंडिकेटर्स भी रखे जाते हैं। जो इंडिकेटर्स रखे गए थे वो रखे गए थे कमर्स इंडस्ट्रीज को देखते हुए, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट को देखते हुए, जुडिशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटी को देखते हुए, सोशल वेलफेयर को देखते हुए, इकोनॉमिक गवर्नेंस को देखते हुए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, पब्लिक हेल्थ को देखते हुए, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को देखते हुए, एनवायरनमेंट को देखते हुए और एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सेक्टर को देखते हुए। अब अपने हिमाचल ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। देखिए यहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चन बनता है, नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट में जो है वो हिमाचल ने टॉप किया है। हिमाचल के बाद दूसरा स्थान है उत्तराखंड का। तो हिमाचल के जो पॉइंट रहे हैं वो रहे हैं 5.22 पॉइंट। अब अगर बात की जाए बिग स्टेट की, तो बिग स्टेट में जो है वो तमिलनाडु ने टॉप किया है। देखिए बिग स्टेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बिग स्टेट में तमिलनाडु ने टॉप किया है और सबसे खराब प्रदर्शन जो है बिग स्टेट में रहा है झारखंड का, और नॉर्थन ईस्टर्न हिल स्टेट में सबसे खराब प्रदर्शन रहा है अरुणाचल प्रदेश का। और अगर यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो देखिए यूनियन टेरिटरी में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है पौंडीचेरी ने, पौंडीचेरी के बाद दूसरे नंबर पर है चंडीगढ़। तो पहला और दूसरा स्थान आप एटलीस्ट याद रखें, बिग स्टेट में तमिलनाडु महाराष्ट्र, नॉर्थन ईस्टर्न हिल स्टेट में हिमाचल उत्तराखंड, और अगर बात की जाए यूटी की यूनियन टेरिटरीज की तो पौंडीचेरी और चंडीगढ़ आप याद रखें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है गुड गवर्नेंस इंडेक्स। गुड गवर्नेंस इंडेक्स से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी संभावना है, तो इस इंडेक्स को आप रट लें ताकि अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। क्वेश्चन नंबर 10 है, बंदरों एवं जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए सौर ऊर्जा चलित बाड़बंदी पर व्यक्तिगत आधार पर कितना फीसद उपदान दिया जाता है। देखिए आपको पता है कि बंदरों और जंगली जानवरों से खेतों को प्रोटेक्ट करने के लिए सौर ऊर्जा चलित बाड़बंदी का निर्माण बाड़बंदी जो है वो सरकार के द्वारा डिस्काउंट पर दी जाती है, तो कितना प्रतिशत अनुदान जो है वो सरकार के द्वारा इंडिविजुअली दिया जाता है, व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है। व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है 80%। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। देखिए व्यक्तिगत रूप से 80% दिया जाता है और अगर आप सामूहिक रूप से बात करें तो सामूहिक रूप से दिया जाता है 85%। देखिए इसमें होता ऐसा है कि एक बाड़बंदी खेत के चारों तरफ लगा दी जाती है और ये जो है ये सोलर एनर्जी से पावर होती है। जब ये सोलर एनर्जी से पावर चार्ज इसकी जो तारें होती हैं सोलर एनर्जी से चार्ज होती रहती हैं, अगर कोई भी बंदर या कोई भी जंगली जानवर खेत के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो उसे जो है वो हल्का सा करंट का झटका महसूस होता है जिससे जो है वो खेतों को प्रोटेक्शन मिलती है। तो इस तरह से आप याद रखें कि सोलार से ये चलेगी और इंडिविजुअली इस पर डिस्काउंट दिया जाएगा 80%। 80% जो है वो इंडिविजुअली इसमें डिस्काउंट दिया जाएगा और अगर आप सामूहिक रूप से बात करें तो सामूहिक रूप से 85% अनुदान जो है इसमें दिया जाता है।
हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना जो है वो चलाई गई है। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत दी ये सभी फैसिलिटीज जो है वो किसानों को दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 भी। सिवा प्रोजेक्ट किसकी सहायता से चलाया जा रहा है? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक प्रोजेक्ट चलाया है, सिवा प्रोजेक्ट। सिवा प्रोजेक्ट के बारे में आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ, सिवा की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। देखिए, सिवा की जो फुल फॉर्म है वो है, सिवा की फुल फॉर्म है सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट। इसकी फुल फॉर्म आप याद रखें, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट। ये है HP सिवा की फुल फॉर्म, हिमाचल प्रदेश सिवा प्रोजेक्ट। अब ये चलाया जा रहा है ADB की सहायता से। ADB का पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। देखिए, इस प्रोजेक्ट के तहत किया क्या जाएगा ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, इस प्रोजेक्ट के तहत जो है हिमाचल प्रदेश का जितना भी हॉर्टिकल्चर है उसको सहायता प्रोवाइड करवाई जाएगी। बागवानी जो हिमाचल प्रदेश का है उसको इस प्रोजेक्ट के माध्यम से सहायता प्राप्त करवाई जाएगी। ये सिवा प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, इस प्रोजेक्ट की कीमत कितनी है, इसकी कीमत आपको पता होनी चाहिए, 1668 करोड़ जो है इसकी कीमत है। और देखिए, कीमत तो एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी, परंतु आपसे दो चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। एक तो सिवा की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, और ये किससे संबंधित है, सिवा हॉर्टिकल्चर से संबंधित है, और ये किसकी सहायता से चलाया जा रहा है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है। दो बेसिक सी चीज़ें आप इस प्रोजेक्ट के बारे में याद रख लें, वो आपके लिए काफ़ी हैं। और इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1966 में। 1966 में इसकी स्थापना जो थी वो हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में स्थित है। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। सिवा प्रोजेक्ट इसकी सहायता से चलाया जा रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से। ये बेसिक सी जानकारी है सिवा प्रोजेक्ट के बारे में, ये बेसिक सी जानकारी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 12 है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम चलाई गई है। उस स्कीम का नाम है नई मंजिलें नई राहें। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, नई मंजिलें नई राहें इस स्कीम का नाम है। इस स्कीम का नाम कई जगह आपको पढ़ने को मिलेगा, नई राहें नई मंजिलें, परंतु आज के जो न्यूज़पेपर पर दिया गया था वो इस तरह से दिया गया था, नई मंजिलें नई राहें। अब देखिए, इस स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए, इस स्कीम का बजट जो है वो है 50 करोड़। 50 करोड़ बजट इस स्कीम का है, और इस स्कीम के तहत जो है जो बेसिक फैसिलिटीज पर्यटन से रिलेटेड होती है, जैसे कि पार्किंग हो गया, डस्टबिन हो गए, सड़क हो गई, परिवहन हो गया, ये सभी फैसिलिटीज़ जो हैं बेसिक फैसिलिटीज़ पर्यटन के से संबंधित जो हैं वो दी जाएंगी। और इस स्कीम का मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव है कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। देखिए, जो हेली टैक्सी सेवा है, हेली टैक्सी सेवा जो है वो भी पर्यटकों के लिए ही शुरू की गई। इस तरह की सुविधाएं जो है इस स्कीम के तहत लोगों को दी जाएंगी। ये स्कीम जो है वो काफ़ी हेल्पफुल स्कीम है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ और योजनाएं भी शुरू की गई हैं। एक तो है हिम केयर योजना। हिम केयर योजना जो है वो देखिए, इस योजना के तहत जो है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। और हिम केयर योजना के बाद गृहिणी योजना भी शुरू की गई है, हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना। गृहिणी योजना के तहत जो है मुफ्त में गैस कनेक्शन बांटे जाते हैं। ये कुछ सुविधाएं हैं जो सरकार के द्वारा चलाई गई हैं लोगों के लिए। इन योजनाओं के नाम आप याद रखें, और ये किस से संबंधित हैं ये भी आप याद रखें। तो ये थे आज के क्वेश्चन, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।